नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश दाधीच, मैं राजनीति विज्ञान का शिक्षक रहा हूं। और आज का जो जमाना है वो मुझे लग रहा है कि ऐसा कि आज राजनीति के बारे में बहुत बात की जा रही है, क्योंकि अभी अभी हम राजस्थान में विशेष रूप से हम दो चुनावों से निकले हैं, पूरे देश में चुनाव हुए हैं। तो चुनावों के तत्काल बाद या उससे पहले राजनीति अपने चरम सीमा पर होती है और राजनीति पर बहस भी बहुत की जाती है। ऐसी बहस में जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों के दो प्रकार से उनको देखा जाता है। एक तो जो हम लोग एकेडमिक लोग हैं, जो कक्षाओं में उनको पढ़ाते हैं इन शब्दों को, इन अवधारणाओं को, वो उसको अलग तरह से देखते हैं। जैसे डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है, उदारवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, इस राज्य क्या होता है, सरकार क्या होती है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, उनके क्या कार्य हैं, ये सब बातें हम कक्षाओं में पढ़ाते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है और चुनाव के समय में बहस होती है, तो जो साधारण जन है वो उस बहस में सम्मिलित होता है और वो इनके सही अवधारणाओं को, सही परिभाषाओं को न समझते हुए उन शब्दों का प्रयोग करता है। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है, तो उनके माध्यम से वो अपनी बात कहता है। तो जो लोग एकेडमिकली इंक्लाइन नहीं हैं, जिन्होंने कक्षाओं में ये नहीं पढ़ा है, वे जो बातें कही जाती है उसको स्वीकार कर लेते हैं और उससे एक बहुत बड़ा जनता का हिस्सा, जो जिन अवधारणाओं को, जिन शब्दों का सही अर्थ समझना चाहिए उसको नहीं समझकर अपनी तरह से उसकी व्याख्या करते हुए एक भ्रम जाल फैलाता है, जिसका नुकसान आगे जाने पर हमारी नई पीढ़ी को होता है। विशेष रूप से हम देखें तो पिछले कुछ समय से, जब से सोशल मीडिया बहुत प्रभावी हुआ है और लोगों के पास पढ़ने लिखने का समय कम होता जा रहा है, लोग पुस्तकें पढ़ने वगैरह में बहुत ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहते, वे तुरंत स्कूल पास करके किसी जॉब को चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिसे कहा जाता है कि क्विक इन्फॉर्मेशन वो चाहते हैं। आजकल उपलब्ध भी है, गूगल पर हर किसी के पास मोबाइल है, उसमें गूगल पर वो शब्द डालिए, उसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसी इन्फॉर्मेशन को, उस सूचना को वो ज्ञान की संज्ञा भी देते हैं, वो मानते हैं हमें ज्ञान है, जबकि हम जानते हैं कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती है। इन्फॉर्मेशन सिर्फ नॉलेज तक पहुंचने का एक रास्ता है, उसके टूल्स हैं जिनके माध्यम से नॉलेज क्रिएट होती है। लेकिन नॉलेज केवल इन्फॉर्मेशन से क्रिएट हुई आवश्यक नहीं है, नॉलेज या ज्ञान मुख्य रूप से आपकी एनालिटिकल एबिलिटी से क्रिएट होती है, कि आपके पास जो सूचना है या जो सूचना नहीं भी है, जो कुछ आप देखते हैं अपनी इंद्रियों से, जो प्राप्त करते हैं या अपने विवेक से सोचते हैं, उनका सम्मिश्रण करके किस प्रकार से उसको विश्लेषित करके एक निर्णय पर पहुंचा जाए, उसे हम ज्ञान की संज्ञा देते हैं। लेकिन आज इतना समय नहीं है, तो आज जो सूचनाएं मिलती है उन सूचनाओं को ही हम ज्ञान मान लेते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो सूचनाएं मिलती है उन सूचनाओं को विकृत करना भी बहुत आसान है और उसको फैलाना उससे और ज्यादा आसान है। यानी जो सूचना हमें मिले, उस सूचना को पहले तो आप मिस इन्फॉर्म करो और फिर उस मिस इन्फॉर्म को व्हाट्सएप और फेसबुक और वीडियो या के माध्यम से उसको फैलाएं और फिर ग्रुप्स के अंतर्गत उनको फैलाकर सब लोग उस पर सहमत हो, और ये माने जाए कि जब अधिकतर लोग इस पर सहमत हैं तो शायद यही सत्य है। तो सत्य की खोज करना तो दूर, जो तथ्य थे, सत्य तथ्य से अलग हो सकता है, लेकिन जो तथ्य हैं उन तथ्यों को भी डिस्टोर्ट करके सामने रखने की कोशिश की जाती है। कुछ तो ऐसा जानबूझ के किया जाता है और कुछ लोग जो हैं वो, चूंकि वो बहुत आसानी से ग्रहण करने योग्य बातें होती है जिनमें हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। जैसे महान पुरुषों के बारे में जब अगर हम पढ़ें कि वो महान क्यों थे, तो शायद बहुत समय लगेगा और हमें पीड़ा भी होगी कि वो तो महान बन गए और हम नहीं बन पाए और हम वैसा कैसे बने। तो हम ढूंढते हैं कि उन महान पुरुषों में कोई कमी ढूंढें जो कि मानवीय हो, और तब हम बड़ा रस लेकर ये सोचते हैं कि ये हमें मालूम पड़ गया, हमें मालूम है कि ये क्या है। जैसे गांधी जी के बारे में बात करें, तो कोई गांधी जी के बारे में कि गांधी जी इतने महान क्यों बने, इतने महान क्यों हैं, क्यों लोग उनको मानते हैं, इसके बारे में पढ़ने की बजाय इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं कि कोई गांधी की गलती ढूंढी जाए और कोई गलती, छोटी सी गलती जो मानवीय भूल हो,
उसको बड़ा चढ़ा कर रखा जा रखा जाए, देखिए गांधी जी तो ऐसे थे। उससे क्या है कि हमारा जो जो बोनापन है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हम तो गांधी बन नहीं सकते, तो गांधी बना हुआ है उसको हमारे बराबर लेके आ जाए, तो हमको बड़ा खुश, हम बड़े खुश होते हैं कि ये सही है, अब गांधी और हम बराबर हैं। तो ये एक मानवीय प्रवृत्ति है, मेरा मानना है कि इसका ये तो चलती रहेगी, इसका तो कोई अंत है नहीं। लेकिन इसका विरोध करने के लिए कि पुनः वापिस जो बातें सही हैं, जिनको हजारों वर्षों से लोग सही मानते हैं और जिसके आधार पर ये दुनिया आगे चल रही है, उन वैज्ञानिक तथ्यों को, उन दार्शनिक प्रस्तावनाओं को, उस सोचने समझने की जो अप्रोच है, उसको हमें पुनः नई पीढ़ी के सामने रखने का प्रयास करना चाहिए जितना हो सके। वो कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन अब ये हमारा कम से कम ऐसा कर्तव्य है नई पीढ़ी के प्रति कि हमने जो कुछ 40-50 वर्षों में सीखा है वो आपको सही प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास करें। क्योंकि या तो हम ये मान लें कि हमने जो सीखा वो गलत था और अब जो बातें व्हाट्सएप में आ रही है वही सही है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम ये मानते हैं, कन्विंस्ड हैं कि नहीं, हमने 40-50 वर्षों में जो ज्ञान प्राप्त किया है, अर्जित किया है, जो सूचना हमारे पास थी वो वैज्ञानिक थी, हमने उसको अलग अलग तरह से उसको ढूंढने की कोशिश की है, और हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक तरीका है ढूंढने का, सोचने का, आगे बढ़ने का, उसको मानते हुए हमने ज्ञान प्राप्त किया है, तो मेरा मानना है कि हमारी ड्यूटी भी है, ये कर्तव्य है कि हम उसको जनता के समक्ष, नई पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करें। तो मेरा इन जो वीडियोस जो मैं आगे अपलोड करूंगा उसके माध्यम से ये कोशिश रहेगी कि एक तो चूंकि मैं राजनीति विज्ञान पढ़ाता रहा हूँ, राजनीति दर्शन मेरा क्षेत्र रहा है, तो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप जो बहुत से पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, जैसे राज्य क्या होता है, सरकार क्या होती है, अधिकार क्या होते हैं, स्वतंत्रता क्या होती है, न्याय क्या होता है, समानता क्या होती है, ये या बहुत से नए इज्म, बहुत से नए दर्शन, राजनीतिक विचारधाराएं सामने आ रही, उदारवाद क्या है, प्रजातंत्र क्या है, लिबर्टेरियनिज्म क्या होता है वगैरह, उनको भी हम देखने का कोशिश करेंगे, उनको मैं समझाने की प्रयास करूंगा छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से। और इसके अलावा जो आज की जो पॉलिटिकल वोकेबलरी है जिसने बड़ा भ्रम फैला रखा है, और जो बहुत सी सूचनाएं हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत ढंग से प्रस्तुत की जा रही है, उनका भी निराकरण करने का कोशिश करूंगा जितनी मैं कर सकता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे, कम से कम वीडियो को देखकर उस पर कमेंट करके, और मुझे दिशा निर्देश देंगे कि मैं किस प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरा साथ दें, उनको मैं समझाने की प्रयास करूं छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम